गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर एंड वी वर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 45 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 300 मीटर बड़े पुल को 45 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। आपको बताना है उसकी गति क्या है ट्रेन की, स्पीड ऑफ द ट्रेन। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन को अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना होता है प्लस ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस करना होता है। दैट्स व्हाई बोथ द डिस्टेंस शुड बी एडेड। इसलिए जो दोनों डिस्टेंस गिवन होंगे उनको एड कर लेना, ठीक है। 100 मीटर में 300 मीटर को ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 300 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 45 सेकंड्स। तो यहां से जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है। 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 45। कट कर देंगे इसको, 95 से कट हो जाएगा, 59 जा 45, 58 जा 40, 0 की 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास जो स्पीड आई वो क्या आई, 80 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, बिकॉज द ऑप्शंस आर इन किलोमीटर पर आवर। तो मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 अपॉन 5 से। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 5 वन जा 5, 16 5 जा 80 होता है, तो 5 पे कट करूंगी, 80 को 16 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। कैसे आ रहा है ऋषभ, 16 टू जा 32 होता बेटा, 32 होता बेटा। हां जी प्रतीक। मैम जैसे आरएम के ऊपर मैम ऑप्शन नहीं दिए गए, तो मैम फिर हमें मैम मीटर पर सेकंड की मैम हमें स्पीड आई थी, तो मैम हमें वो ही करके सेकंड में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जिसमें आएगी आप उसमें लिख देना, बट यूनिट्स देख लेना आपके सेम होने चाहिए। ओके मैम। मैम पर इसमें मैम लास्ट वाली जो मैम आपने बनाई मैम मीटर पर सेकंड में करने के लिए, मैम किलोमीटर पर सेकंड करने के लिए, तो फिर मैम वो कैसे करा आपने, मैम फिर से बता सकते हैं क्या मैम लास्ट वाला मैम आपने कैसे करा, मैं आपको आप दोबारा बता दीजिए। लास्ट वाला क्या 80 अपॉन 9 आया था ना? यस मैम, उसके बाद वाला उसको 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जाने के लिए कल बताया था ना, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करा उसके बाद कटिंग कर दी, 5 1 जा 5, 5 16 पे कटिंग होगी, इसकी टेबल्स आते होंगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। हमें मैम क्रॉस मल्टीप्लाई में ही कटिंग करनी आती है क्या? कहां है क्रॉस मल्टीप्लाई, कहीं भी नहीं हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारे पास पहले ही स्पीड दे रखी थी ना, स्पीड दे रखी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इन 6 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कर लेंगे इसको खुद से, होमवर्क है ये आपका। ट्रेन की लेंथ गिवन है आपको, टाइम गिवन है, स्पीड निकाल लेना। स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर सिक्स इज मार्क्ड एज होमवर्क, सबको करना है घर से, ठीक है? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आदित्य। Yes, ma'am. Excluding stoppages, the speed of train is 45 km per hour. And including stoppages, it is 36 km per hour. Of many minutes does the train stop per hour? Ma'am, इसको पहले 45 km per hour से 36 km per hour को minus करना पड़े, तो फिर 9 km per hour आएगा, और 9 km per hour वर्क को हम लोग को वो करना है 18/5 से इनटू करना है। बस आंसर आ जाएगा। नो मैम, 5/18 से, 5/18 नहीं, 5/18 से करूं आंसर आ जाएगा। यस मैम, आ जाएगा। 45 में से 36 सबट्रैक्ट करो, कितना आता है? 9। 9 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5/2 आ रहा है, यानी 2.5। ऑप्शन में नहीं है। और कोई एनीबडी एल्स बताना चाहेगा कोई? ऋषभ, तुमने सारा सिलेबस कर रखा है बेटा, आपको सब कुछ आना चाहिए। Yes, ma'am. Ma'am, अगर मैम इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा जोर से बोलिए। मैम व्हाट? यू आर नॉट ऑडिबल। मैम नाउ आई एम ऑडिबल। यस मैम, इसमें हम मैम इसे मैम एक तरफ तो हम कॉलम बनाएंगे मैम, इंक्लूडिंग स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आर उसकी स्पीड होगी मैम। जब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, फॉर्मूला याद है आपको? स्टॉपेज टाइम इज इक्वल टू, मैम फॉर्मूला नहीं लर्न, लेकिन मैंने दूसरे मेथड से किया है। देखिए सब बच्चे लिख लीजिए इसके लिए फॉर्मूला। स्टॉपेज टाइम इज इक्वल टू स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस स्पीड इंक्लूडिंग स्टॉपेज अपॉन स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। स्टॉपेज टाइम पूछा है, देखिए क्या बोला, ट्रेन क्या करती है, स्टॉप ले लेके चलती है। क्यों? क्योंकि सवारियां उतारनी होती है उसको। अगर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज मतलब ट्रेन अगर स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर दे, बाहर निकाल दे, मतलब ले ही ना स्टॉप, तो ट्रेन की स्पीड तेज रहेगी ना, फिर तो भागती जाएगी, पता उसको रुकना ही नहीं है कहीं पे। तो उसकी स्पीड रहती है 45 किलोमीटर पर आवर। जब स्टॉप ले लेके चलती है तो स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर। रुक रुक के चलती है, फिर बढ़ाती है स्पीड, फिर रुकती है। आपको बताना है कितने समय के लिए ट्रेन रुकी, 1 घंटे में पर आवर, 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर का स्टॉप लेती है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, स्टॉपेज टाइम इज इक्वल टू स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। स्टॉपेज एक्सक्लूडिंग वाली पहले लेनी है, बाद में लेनी है इंक्लूडिंग वाली, बड़े में से छोटे वाली को माइनस करना है मतलब, ठीक है? एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज वाली हमेशा ज्यादा होती है, बड़े वाली होती है। 45 बड़ी है ना, बड़ी में से छोटी को घटा देना, क्लियर? और नीचे किससे कंपेयर करना है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी ट्रेन की। ओरिजिनल स्पीड क्या होगी ट्रेन की? ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या होती है? जो बिना स्पीड से चलेगी, बिना स्टॉप से चलेगी, वही उसकी असली स्पीड है। ये तो स्टॉप लेने की वजह से कम हो रही है ना। तो देखिए, स्टॉपेज टाइम इज इक्वल टू 45 माइनस 36 अपॉन 45। कितना आएगा ये? 45 में से 36 माइनस कर देंगे, 9 अपॉन 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45,
कितना आया टाइम 1/5 आवर, क्योंकि स्पीड हमारी किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटे में थी, लेकिन क्वेश्चन में तो मिनट्स में पूछा है, तो आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 5 12 60, तो आंसर आएगा 12 मिनट्स, 12 मिनट का स्टॉप लेगी ट्रेन। क्लियर है? देखिए बड़े वाली में से छोटे वाली को माइनस करना है, और डिवाइड में भी जो कंपेयर करना है वो भी किससे करना है, बड़े वाली ओरिजिनल स्पीड से करना है। क्लियर है सबको? अमर्त्या जी, क्या डाउट है बेटा? मैम मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दूंगी। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे या पूछ रहे थे? मैम देने वाला था, लेकिन बताओ कैसे आपने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओ आगे कैसे करेंगे? मैम अब हम 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड आ गया। यस मैम। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। मैम 18/5 टेबल लर्न कर लो बेटा, कुछ नहीं आता मैम मुझे। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो मत्या ने बता दिया, ठीक है। सेवंथ मैंने करवा दिया आपको, एट्थ क्वेश्चन अभी, इलेवंथ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इलेवंथ क्वेश्चन ट्राई करो जैसा मैंने करवाया, सेवंथ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 11 ट्राई करो इसको जल्दी से, ऑप्शन बी 10 10। चलिए देखिए स्टॉप पे टाइम एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज होता है हमारा 54 माइनस 45 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 60। 54 में से 45 माइनस करा 9 आएगा, 9/54, 9 1 9 9 6 54 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 6 1 6 6 10 60, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तो देखिए, मैम आपने मैम बोला कि मैम आर से मिनट में जाने के लिए मैम 60 से इंटू करेंगे, मैम मिनट से आर में जाने के लिए भी मैम 60 से इंटू करेंगे, डिवाइड करते हैं मिनट से आवर्स में जाने के लिए, डिवाइड करते हैं 60 से। मैम पर यहाँ पर मैम मिनट से मैम आर को जा रहे हैं मैम, फॉर हाउ मेनी मिनट्स पूछा है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।